जो कार्ड देख रहे हैं इस कार्ड को काफी लोग बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, स्पेशली अगर ये कार्ड ऐसे रिलेशनशिप के केस में आ जाए जहां ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट्स या मतभेद चल रहे हैं, क्योंकि उस केस में ये माना जाता है कि देर आर चांसेस ऑफ डिवोर्स, सेपरेशन के चांसेस उन्हें लगता है इस कार्ड के थ्रू होते हैं, जो कि होते भी हैं। अब इसमें पहले हम चलते हैं इमेजेस की तरफ। अभी तक हम देख रहे थे, हमने जितने कार्ड्स देखे उसमें वेल ड्रेस्ड लोगों को देखा, इतने गए बीते कपड़े पहने हुए हमने किसी भी कार्ड में नहीं देखे जो हमें फाइव ऑफ पेंटिकल्स में देखने को मिलते हैं। प्लीज लुक केयरफुली ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको दिखेगा एक विंडो है, ये चर्च की विंडो है जिसमें ये फाइव पेंटिकल्स हैं जो कि येलो कलर से दिखाए गए हैं, विच मीन्स के लाइट है, लेकिन जो दोनों लोग खड़े हैं उन्होंने लाइट की तरफ पीठ की हुई है। ये जो लेडी आप देखेंगे इसके कपड़े लगभग कई जगहों से फटे हुए हैं, दे आर रैग्ड, राइट। और जो आप ये आदमी देखेंगे ये बैसाखी के सहारे चल रहा है और इसके पैर में अभी भी दिक्कत है। फिर अगर आप दोनों का चलने का डायरेक्शन देखेंगे तो द लेडी इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन, वो अलग दिशा में जा रही है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्नोफॉल हो रही है, ये पूरा स्नो है, पूरा स्नो से कवर्ड है, तो द फीलिंग और द इमोशन अटैच्ड इज वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे क्या है, इमोशंस जो है वो फ्रीज हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं इमोशंस, और जहां से उन्हें गर्मी मिल सकती है या लाइट मिल सकती है वो कहाँ है, उसकी तरफ उन्होंने पीठ किया हुआ है, राइट।